जैसा कि हम जानते हैं होली पर्व का त्योहार कुछ ही दिनों में आने वाला है, जिसको लेकर शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए बस्तर जिले के SP दीपक झा ने अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में थानेदार को निर्देश दिया गया कि उपद्रव मचाने और शांति भंग करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। हाँ, होली को त्यौहार को देखते हुए सभी SDOPs के साथ अधिकारियों के साथ हम लोगों ने एक बैठक किया है और बैठक करने के बाद सभी को अपने अपने क्षेत्र में शांति समिति की बैठक आयोजित करने के लिए बोला है। सभी वर्ग समुदाय के साथ जिला स्तर पर भी इस प्रकार की एक बैठक आयोजित की जाएगी। साथ ही जो शहर के सभी अधिकारी हैं और शहर से लगे हुए क्षेत्रों के जो अधिकारी हैं उनको विशेष रूप से पेट्रोलिंग अधिक बढ़ाने के लिए नियुक्त किया गया है और जो पुराने हिस्ट्री शीटर हैं, पुराने बदमाश हैं, उनके खिलाफ भी प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करने के लिए नियुक्त किया गया है ताकि जन सामान्य सभी नागरिक शांतिपूर्ण ढंग से होली मना सके। होली के समय खास करके कुछ वाहन पे भी शराब पीकर वाहन चलाने की भी शिकायतें प्राप्त होती रहती हैं, उसको देखते हुए भी ट्रैफिक विभाग को भी इस संबंध में कड़ी कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया गया है। TCP 24 न्यूज़ के लिए जगदलपुर से आनंद झा की रिपोर्ट।